लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का जब से टिकट काटा है, पार्टी ने इस बार वरुण की जगह जितिन प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनाया है। होली के दिन पीलीभीत पहुंचे जितिन प्रसाद ने सिख समाज के लोगों के साथ बैठक की। जितिन ने वरुण का नाम लिए बगैर कहा कि जानता हूं कि यहां से बहुत से लोगों ने उम्मीदवारी की है, हम सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी ही है जहां नेतृत्व ने निर्णय जो ले लिया है उसका सभी सम्मान करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी आखिर अगला कदम क्या करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। पार्टी ने इस बार वरुण गांधी की जगह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। होली के दिन पीलीभीत पहुंचे जितिन प्रसाद ने सिख समाज के लोगों के साथ बैठक की। जितिन ने वरुण का नाम लिए बगैर कहा कि जानता हूं, यहां से बहुत लोगों ने उम्मीदवारी की है, हम सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी ही है जहां नेतृत्व ने निर्णय ले लिया है उसका सम्मान सभी करते हैं। पीलीभीत जैसी प्रतिष्ठित सीट पे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझ पे विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, भूपेश जी का स्वागत देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने सहयोग समझा और यहाँ चुनाव में जो निर्णायक चुनाव होगा भारत के इतिहास में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल का, इसमें ये स्पष्ट है कि लोगों की जीत सुनिश्चित हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें पीलीभीत जनपद के और जनवासियों का, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐतिहासिक एक दफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का काम पीलीभीत जनपद का। पीलीभीत सीट से वरुण की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी के गांधी अब आगे क्या करेंगे। क्या वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे या फिर उनके सियासी सफर का अगला पड़ाव कोई नई पार्टी होगी। सूत्र दावा कर रहे हैं कि वरुण गांधी अब पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरुण गांधी ने अपने सहयोगी के जरिए नामांकन पत्र के 4 सेट खरीदे थे, लेकिन जितिन की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद हालात बदल गए हैं। सूत्रों की माने तो वरुण गांधी ने अपने करीबियों को ये बता दिया है कि उनके साथ छल हुआ है और अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट में वरुण की पीलीभीत सीट से जितिन के नाम का ऐलान किया। उसी लिस्ट में मेनका गांधी को सुल्तानपुर सीट से टिकट का ऐलान भी था। पीलीभीत में चुनाव पहले चरण में है और सुल्तानपुर में 4थे चरण में मतदान होना है। वरुण अगर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में या दूसरे दल से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी इसे सहजता से बिल्कुल भी नहीं लगी। ऐसा हुआ तो वरुण की मां मेनका गांधी की सीट पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी ने एक ही लिस्ट में मां को टिकट और बेटा बे टिकट कर ऐसा दांव चला कि वरुण भी इसमें उलझ कर रह गए। वरुण गांधी के आगे की सियासी राह क्या होगी, चर्चा इसे लेकर भी हो रही है। कोई वरुण के निर्दलीय लड़ने की संभावना जता रहा है तो कोई कांग्रेस से लड़ने की सलाह दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी अलग ही डिबेट चल रही है। सोशल मीडिया पर तो लोग वरुण को ये सलाह भी देने लगे हैं कि वो अब गांधी परिवार यानी कांग्रेस की ओर लौट जाएं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसमें पीलीभीत समेत यूपी की 8 सीटें शामिल हैं। पहले चरण की सीटों के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 27 मार्च है। पीलीभीत से बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद 27 मार्च को ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे।